गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक हो गए। सो गाइस, कल हम रात को लेट नाइट पहुंच गए, गुरुद्वारा साहब पहुंच गए थे। रास्ते सारे हर जगह ब्लॉक थे और काफ़ी लेट पहुंचे थे, करीब 9 बजे के आसपास पहुँच गया था यहाँ पे। और अब मॉर्निंग हो गई है, यहाँ का दिखाते हैं आपको, गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराते हैं और यहाँ के वेदर दिखाते हैं यहाँ पे आपको। क्या मस्त वेदर हो रखा है, बहुत ही शानदार व्यू है और मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। कल ना हर जगह रास्ते बहुत जगह ब्लॉक थे, इसके लिए बहुत लेट हो गए और जेसीबी से काम चल रहे थे। और दिखाते हैं आप, देखिए शानदार क्या व्यू है। और ये देखिए बादल ही बादल, और इस साइड हमारा गुरुद्वारा साहिब है। अभी जा रहे हैं हम मत्था टेकने के दर्शन करने के लिए, और अंदर का दर्शन कीजिए। ये वो पेड़ है, पेड़ सूख गया था, पेड़ को काट के इन्होंने अंदर रख दिया है, जिसमें रिठा साहब रिठे लगे थे और सिद्धों ने खाए थे, उनको कड़वे लगे थे और बाला मर्दाना ने खाए थे तो मीठे हो गए थे। ये वो ट्री है जिसको अभी यहाँ पैक करके रखा हुआ है। और ये हमारा गुरुद्वारा साहिब, रिठा साहिब। ये है रिठा साहिब गुरुद्वारा, और ये देखिए अंदर से तो हमने दर्शन कराए दिए। यहाँ पे देखिए कितना ये हमारा निशान साहिब, और ये देखिए ये इसका एंट्री गेट है यहाँ पे। और यहाँ पे वेदर देखिए कितना शानदार वेदर है यहाँ पे। सो गाइस, हमने मत्था टेक लिया, दर्शन कर लिया और आप लोगों को भी दर्शन कराए दिए हैं। और अब यहाँ पे दिखाते हैं पीछे हमारे वेदर कितना अच्छा हो रखा है, शांत, बहुत ही कोल्ड और एकदम बढ़िया मौसम। पीछे का वेदर दिखाते हैं आपको, कितना बहुत अच्छा शानदार वेदर हो रखा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया वेदर है। एक ख्वाहिश है कि हम भी पहाड़ों में घर लेंगे, लेकिन पता नहीं कब लेंगे। ये देखिए बहुत ही शानदार वेदर है, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, क्लाउड एकदम नीचे आ गया है। ये है नीचे का दीवान हॉल और ये सामने का गुरुद्वारा साहिब, यहाँ का ये व्यू है। सो गाइस, हमने मत्था टेक लिया, दर्शन कर लिए, ये हमारे पीछे गुरुद्वारा साहिब है। और यहाँ पे देखिए ये है गुरुद्वारा साहिब का मेन गेट, और यहाँ से हम अंदर जाते हैं, फिर वहाँ से ऊपर जाते हैं मत्था टेकने के लिए। अरे गुरुद्वारे में लंगर का नाश्ता, और ये देखिए। सो गाइस, हम गुरुद्वारे के पीछे साइड में आ गए हैं, नीचे साइड में, और यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, पर नदी का नाम पता नहीं कौन सी नदी है। और दिखाते हैं आपको, ये देखिए पीछे रिवर चला, गहरा पानी है यहाँ पर, तो और दिखाते हैं इस साइड में आपको, यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है आगे। संगम घर तो बने हुए हैं, घर तो बहुत बने हुए हैं यहाँ पर है नदियों, एक नदी उधर से आ रही है और एक नदी इधर से आ रही है, दोनों नदियाँ यहाँ से आके यहाँ मिल जाती हैं। वो जो नदी आ रही है वो लोदिया नदी है, और ये जो आ रही है इस साइड से ये रतिया नदी है। दोनों को लोदिया और रतिया को मिला दिया जाए तो यहाँ पे आके संगम हो गया, और संगम होने के बाद यहाँ का जीवन दिखाते हैं, नदियों को आर पार कैसे करते हैं लोग। ये देख रहे हो पानी कितना तेज चल रहा है, फिर भी यहाँ से पार कर रहे हैं। ये देखिए, और इधर भाई साहब एक मछली मारने लगे हुए हैं, ये देखो रेंजर है रिठा साहिब। और ये है इसके आसपास की सारी लोकेशंस, वेदर, मौसम बहुत ही अच्छा है। इस छोटे से व्लॉग को हम यहीं करेंगे समाप्त, आगे की तैयारी करते हैं। हम जा रहे हैं यहाँ से अभी दूसरी जगह, और बताते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं थोड़ी देर में। और इस व्लॉग को हम करेंगे यहीं समाप्त। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।